हेलो, मैं डॉक्टर विनायक घनाते, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मणिपाल हॉस्पिटल, बाड़मेर, पुणे। मिस्टर कपूर को जो प्रॉब्लम हुई थी, ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है किसी को भी बढ़ती हुई उम्र के साथ। इसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होने वाला फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। और जब ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हिप जॉइंट या स्पाइन के आसपास होता है तो बड़ी तकलीफ़ होती है, क्योंकि चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। रोज़मर्रा की जो छोटी छोटी चीज़ें हमें करनी होती है वो नहीं कर पाते हैं। तो इसका प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ये फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर हो जाती है और हम सोचते हैं कि कुछ स्प्रेन आया है और हम अपनी काम करते रहते हैं। बट ये जो छोटी प्रॉब्लम होती है पहली फेज़ में, वो बाद में जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जब फ्रैक्चर डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो हिप जॉइंट कम्प्लीटली डैमेज होने के भी चांसेस होते हैं। तो उसका अर्ली और प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस करना काफ़ी ज़रूरत है। और फ्रैक्चर, अपनी फिजिकल कंडीशन, मेडिकल फिटनेस, इस सब के ऊपर डिपेंडेंट हमें उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड करनी होती है। अगर ये फ्रैक्चर को हम फिक्स कर सकते हैं तो उसके साथ आने वाली कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट्स को पूरी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम फ्रैक्चर फिक्स करने लायक है इसलिए फिक्स करते हैं और बाद में उसी पेशेंट को अवैस्कुलर नेक्रोसिस जैसी प्रॉब्लम होके हिप जॉइंट डैमेज हो जाता है और उनको दूसरी सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सब डिस्कशन करके हमें म्यूचुअल डिसीजन लेना है कि हमें क्या सर्जरी करनी है, वो सर्जरी करने के लिए क्या पेशेंट फिट है, मेडिकली उनकी कंडीशन ठीक है, और उस सर्जरी से लॉन्ग टर्म उनको क्या बेनिफिट हो सकता है और उसकी आउटकम कैसे होगी। और ये सब चीज़ें प्लान करके करनी है। फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर को इमरजेंसी में ओवरनाइट ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसका फिटनेस और वो सब देख के पेशेंट को ऑप्टिमाइज करके सेफ तरीके से उनको करना है। बहुत सारी हिप के अराउंड जो फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर्स होती है उनमें रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है, इसीलिए उसे ऑपरेशन ऑफ द सेंचुरी ऐसे भी कहा जाता है। ये ऑपरेशन करने के तरीका अभी चेंज हो रहा है। वेस्टर्न या डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसे एनहांस रिकवरी आफ्टर सर्जरी, जिसे हम एरास कहते हैं, उस प्रोटोकॉल के अंदर करते हैं, जिसमें सर्जरी करने का तरीका अलग है, एनेस्थीसिया देने का तरीका अलग है और पेन कंट्रोल की स्ट्रेटजीज अलग है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत कम दर्द होता है। ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद पैरों पे पूरा वजन देकर चल सकते हैं और हॉस्पिटल से अर्ली डिस्चार्ज, और करीबन 1.5 से 2 महीने में पूरी तरीके से रिकवरी कंप्लीट हो जाती है। जबकि नॉर्मल हिप रिप्लेसमेंट और हिप सर्जरी में हम जब जैसे देखते हैं कि महीनों तक लोगों को पैर पे वजन देना अलाउड नहीं होता है, वो बेडरिडन होते हैं। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रख के अगर हम इसको अच्छे से ट्रीट करें तो ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल प्रॉब्लम है। अभी ये तो सिर्फ एक्यूट फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है कि जिसको हमें मेडिकली भी ट्रीट करना ज़रूरी है। तो जब ये हिप फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हम ठीक करें तो उसके साथ साथ उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करना भी ज़रूरी है, ताकि आगे जाके फ्यूचर में ये फ्रैक्चर अपोजिट हिप या कोई और बोन्स में ना हो सके। मेरा नाम सतीश कपूर है। अभी मेरे यहाँ आने के लिए, ये हमारे घर के काफ़ी पास ही है, ये मणिपाल हॉस्पिटल खोला तो हमें अच्छा लगा कि एक बड़ा हॉस्पिटल पास आ रहा है तो थोड़ा फैसिलिटी अच्छी मिलेगी। तो मेरे हिप्स में थोड़ा और टांग में दर्द हो रही थी काफ़ी। डॉक्टर गनाटे को हम मिले तो उन्होंने इमीडिएटली एक्सरे करवाने को बोला। एक्सरे करके आए हम तो काफ़ी लंबी मीटिंग, उन्होंने पूरा हमें एक्सप्लेन और बहुत डिटेल में समझाया कि इसके क्या प्रॉब्लम है और आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके बाद हम टाइमली आए, पूरा सुबह का टाइम दिया था ऑपरेशन का। ऑपरेशन रूम में ले गए, सब टेस्ट वगैरह हुए और ऑपरेशन हुआ। उसमें पेन किलर मिले थे इसलिए कुछ सब पता नहीं लगा, आवाज़ ऐसे लग रही थी जैसे हथौड़े लग रहे हैं लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल रहा, तो कमरे तक लाने के बहुत कंफर्टेबल रहा, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। वहाँ पर सर्विस भी अच्छी थी। फिर हमके पूरा गाइड किया कि आपको क्या क्या केयर करना है, कि अभी जैसे टांगे हैं इनको जो है एक क्रॉस नहीं करना बिल्कुल। अभी जो ऑपरेशन के बाद जो रिकवरी पीरियड है
वो बहुत अच्छा रहा और अभी रिकवरी इतनी अच्छी हो गई है कि ऐसा महसूस ही नहीं होता कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। वो पूरी रिप्लेसमेंट हो गई है, हिप रिप्लेसमेंट ही। पहले डर लगता था रिप्लेसमेंट के बाद पता नहीं क्या होगा, सीधा चलना भी पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, लेकिन अब बिल्कुल ऐसे कोई देख के बता भी नहीं सकता कि ये ऑपरेशन हुआ है। और हमारी जो चाल है, चलने का तरीका बिल्कुल नॉर्मल लगता है। मणिपाल हॉस्पिटल में बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और स्पेशली डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लग रहे हैं और काफ़ी एक्सपर्ट्स लग रहे हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आपको भी कभी प्रॉब्लम हो तो ये एक काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल है। तो मिस्टर कपूर इससे बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो चुके हैं, उनकी ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुकी है एंड ही इज़ नाउ कम्प्लीटली हैप्पी विद दिस ट्रीटमेंट। सो अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर जैसी तकलीफ है तो उन्होंने ज़रूर मणिपाल हॉस्पिटल को विज़िट करना चाहिए। और हमारे पास पूरी टीम और स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स और सब टेक्निक्स है जिससे कि हम एनहांस रिकवरी करके उनको जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकते हैं। थैंक यू।